हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। मैं हूं उबैद। दोस्तों, भिवंडी शहर के अंदर चोरी की वारदात दिन ब दिन जैसे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया है, जहां पर आज डीसीपी ऑफिस में उसका खुलासा किया गया है। डीसीपी योगेश चौहान ने उन्होंने कुछ डिटेल्स बताई है। आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ रिक्शा, कुछ बाइक्स और कुछ ज्वेलरी भी बरामद की है। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। भिवंडी जोन 2 में कुछ दिनों से ये घरपुरी चोरी की वारदातें हो रही थी। वो हिसाब से अभी हमारे सभी पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी, उन्होंने एक मुहिम शुरू की। इसके तहत शांतिनगर में जो है वो अच्छी कामयाबी मिली है। भिवंडी जोन में जो है शांतिनगर और सिटी पुलिस स्टेशन में टोटल 15 गुने जो है वो डिटेक्ट हुए हैं। उसमें लगभग जो है 10 मोटरसाइकिल जो है वो जमा की गई है, और 3 जो घरपुड़ियाँ हैं 3,98,000 की है, और उसमें और 2 रिक्शा और 4 मोटरसाइकिल शांतिनगर की, वो हमने शांतिनगर पीएस ने ताबे मिली है। वैसे ही सिटी पुलिस स्टेशन में भी लगभग ये गुने में 6 मोटरसाइकिल और उसमें 6 आरोपी जो है वो हमने ताबे में लिए हैं। ये सभी लोग हैं, उसमें से कुछ लोगों का बैकग्राउंड पहले से ही चोरी चकारी करना, उनके ऊपर गुने दाखिल है, और आगे जाके इनके ऊपर हम प्रतिबंधक कार्रवाई करने वाले। इस टोटल इसमें लगभग 7,500 का माल जो मुद्दे माल है वो जमा किया गया। 7,50,000 का माल जमा किया गया। सर, ये बाइक चोरी करने का इन चोरों का उद्देश्य क्या था? ये चोरों का उद्देश्य जो है कि ये लोग खाने पीने वाले लोग रहते हैं, बाहर जाते हैं, मौज मजा करते हैं, अलग अलग तरह के नशा करते हैं, इसलिए उनको पैसा पुरता नहीं, और इसलिए ये चोरी चकारी करते हैं सब लोग। हाँ, कुछ लोगों के ऊपर गुने दाखिल है, बैकग्राउंड है उनका। हाँ, ये जो है अलग अलग अपने भिवंडी शहर के भी है, शहर के मतलब शांतिनगर पुलिस स्टेशन के हाथ में से कुछ लोग है, सिटी पुलिस स्टेशन के हाथ में से कुछ लोग है, कुछ लोग है ये भोईवाड़ा है या अपना निज़ामपुरा के इसमें है, लेकिन बाहर के भी कुछ लोग है। तो उन सभी लोग जो है अभी इंट्रोगेशन उनका चल रहा है, और उनको आगे जाके हम प्रतिबंधक कार्रवाई जैसे तड़ी पारी की कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे। सर, पुलिस को कैसे जानकारी मिलेगी? ये हमारे पास जानकारी मतलब पुलिस का काम ही यही है कि जो डीबी के अफसर है हमारे, जो शांतिनगर पुलिस स्टेशन के, सिटी पुलिस स्टेशन के, और हमारे ACP है, सीनियर PI है, राउत साहब है, काकड़े साहब, ये कबाड़ी साहब, ये भापकर साहब, ये सब लोग जो है इनके हर एक पुलिस इनके हमको खुफिया जानकारी मिलती है, इन्फॉर्मर रहते हैं, पता चलता है भाई इसने कहाँ से गाड़ी चोरी की है, कहाँ फेंकी है, कहाँ डाली है, कहाँ बेची है, इस तरीके से धीरे धीरे मालूमात मिलती है। और एक कड़ी अगर जुड़ जाती है तो सभी लोग फिर मिलने में आसान होते हैं, और उनका इंटरोगेशन करने के बाद फिर उन्होंने गाड़ी कहाँ फेंकी है, कहाँ बेची है, किसको दी है, ये सब पता चल जाता है। अच्छा।